ये कह रहा हूं कि आपके लिए पर्सनल चैलेंज है कि आप विकास दुबे को अरेस्ट करेंगे, उसको गोली मारकर उसको खत्म नहीं करेंगे, आप उसको आप अरेस्ट करेंगे, स्पेशल कोर्ट बनाकर उस पर एक केस चलाएंगे और कोर्ट के जरिए उसको सख्त से सख्त सजा दिलवाएंगे। ये जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की और रूल ऑफ लॉ की कामयाबी होगी। अगर कल उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी आदित्यनाथ की सरकार ये विकास दुबे को पकड़कर उसको अगर ठोक देंगे और उसको खत्म कर देंगे, तो याद रखिए वो जो क्रिमिनल ने जो हमारे पुलिस वालों को मारा, और आपकी अगर सरकार ऐसा करती है तो फिर क्या फर्क बाकी रहेगा? हम तो रूल ऑफ लॉ के तहत, संविधान के तहत हुकूमत को चलाएंगे। ये क्रिमिनल में और सरकार में फर्क होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपनी पॉलिसी को बदलना चाहिए। ये ठोकने की पॉलिसी नहीं, काम में आने वाली नहीं है। ये ठोकने की पॉलिसी की वजह से तो पुलिस वाले मारे गए। रूल ऑफ लॉ पे चलाइए। और वो जो विकास दुबे है, ये तो आप ही का तैयार करता है ना, इस फ्रैंकेनस्टाइन को, इस शैतान को तो आप ही लोगों ने साथ ठहर कर बड़े बड़े फोटो लिए, बड़े बड़े तस्वीर लिए। अच्छा, उसके कॉल रिकॉर्ड्स कम से कम जनता की अदालत में रख दीजिए, उसने कितने लीडर्स को कॉल किया। तीसरी बात, अहम बात यह कि हमको पॉलिटिक्स से इन गुंडों को दूर रखना चाहिए। अगर मेरी जात का है तो अच्छा गुंडा है, मेरी जात का नहीं है तो खराब गुंडा है। गुंडा गुंडा होता है, क्रिमिनल क्रिमिनल होता है, उसका ना कोई पॉलिटिक्स से ताल्लुक रहना चाहिए, ना पॉलिटिशियन को उनको एनकरेज करना चाहिए।